मेरा कहना है, देखो फिर से प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ये है कि 173 क्लॉज 2 की रिपोर्ट आ गई पुलिस की। अब 173 क्लॉज 8 ना होता तो क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन 156 क्लॉज 3 में लिख देता? 156 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अनुरूप ही 156 क्लॉज 3 काम करता है। 153 इन सपोर्ट ऑफ 156, वो 156 क्लॉज 3 इन सपोर्ट ऑफ 156 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 है। फर्दर स्टेप है, अगर पुलिस 156 क्लॉज 1 क्लॉज 2 में एक्शन नहीं लेती तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। पुलिस तो एक्शन ले चुकी है ना, पुलिस एफआईआर लिख चुकी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी है। चार्जशीट सबमिट कर दी है, अब उसमें रह गई हैं कुछ कमियां। तो ऐसा ऑर्डर वो 156 क्लॉज 3 में कर सकता है। हाँ, अब 173 क्लॉज 8 नहीं है तो 156 क्लॉज 3 में एफआईआर लिखेगा कि नहीं, तो क्या फर्दर एफआईआर के ऑर्डर करेगा? इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से लिख सकता है 156 क्लॉज 3 में, या इन्वेस्टिगेशन जो हो गई है उसमें कुछ कर सकता है? उसमें अगर कुछ करेगा तो 156 क्लॉज 2 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो रहा क्या? क्योंकि 156 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि पुलिस के द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई पर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आप। अब अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, यू मे रिजेक्ट द चार्जशीट। यही सबसे परिणाम तो यह कि हम इस चार्जशीट को मानते नहीं, उसके अंदर क्वेश्चन लगाने की बात ही छोड़ दो, हम इस चार्जशीट को नहीं मानते। तब आप 156 क्लॉज 3 लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं री इन्वेस्टिगेशन। लेकिन क्या री इन्वेस्टिगेशन इज इक्विवेलेंट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन? री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक ही बात है क्या? पहली चार्जशीट कंसीडर कर रहा है, मैं ये कहता हूं कि पहली चार्जशीट प्रोटेस्ट हो गई, करेक्ट नहीं है, तो आपको कॉग्निजेंस लेने से किसने रोका है? आपने कॉग्निजेंस लेने के लिए बाध्य किसने किया है? आप तो कॉग्निजेंस तब लेंगे, कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है? कॉग्निजेंस तब लेंगे व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज सफिशियंट फॉर द ट्रायल और टू टेक द एक्शन। इफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज नॉट सफिशियंट देन व्हाट कैन यू डू अंडर सेक्शन 190 इटसेल्फ? आप कॉग्निजेंस लेने से मना कर दीजिए, हम इस मेटेरियल के आधार पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, तो अपने आप वापस जाएगा, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने की पावर तो आपको 190 में दी है ना। आप कॉग्निजेंस लेने से मना कर दीजिए, कॉग्निजेंस लेने से आपने जब मना कर दिया देन वो अपने आप उसको सही करके लाएगा। सो वेयर इज अ नीड टू राइट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन? फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिखेगा ही कब? व्हेन द कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। 173 क्लॉज 8 भी कब, 176 क्लॉज 8 भी कब आता है? 173 क्लॉज 8, सॉरी, कॉग्निजेंस के बाद। तो अगर मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर करेगा तो कॉग्निजेंस के बाद करेगा, कॉग्निजेंस से पहले करेगा? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 173 क्लॉज 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किन मामलों में? When the cognizance has been taken. If the cognizance has not been taken, then अभी तो पुलिस के पास पूरे राइट है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस बात की? You have to complete your investigation.